तुम्हारी कथनी और करणी दोनों से ही परहेज है हमें। हम सब जानते हैं बिजड़ी, परंतु प्रताप बनाने तुम्हारे साथ अत्याचार किया और जोर जबरदस्ती भी किया, उसके बाद भी तुमने उनके प्राण बचाए और अपने विशाल हृदय और अनेक नियति का परिचय कर दिखाया। हमने तुम्हें मारी बिंदनी रानी अंतरसा कभी को नहीं माना, परंतु तुम तारा बिजली रानी अंतरसा जो भी है, तुमने सिद्ध कर दिखाया कि तुम खानदानी कंगन की हकदार हो। हमारी को ये नहीं चाहिए बाबू साहब, माफ कर देना, पर हमारे को ना ये कंगन चाहिए और ना ही ये राज सिंहासन। हाँ, बनी हूँ मैं राजा 5 दिनों के लिए और 2 दिन बचे, पर हमारा मकसद केवल इतना है कि हमारे को ये बाल विवाह की कुप्रथा को अवैध घोषित करके ये कानून ये नियम पारित करवाने हमेशा हमेशा के लिए। आप आभारी है तो एक स्त्री होने का फर्ज निभाइए बाबू सर, मदद कीजिए हमारी, इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए। अवश्य देंगे। हमारे राज्य में पूर्वजों के स्वर्णिम इतिहास वाली पुस्तक है, जिसमें सारे नियम कायदे कानून स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम वो पुस्तक तुम्हें दे देंगे बिजड़े, तुम सुनार को बुलवा लेना और बाल विवाह के विरुद्ध जो भी लिखना चाहते हो कायदे कानून उसमें अंकित करवा दो। नहीं बाबू साहब, बदलाव तो लाना चाहती हूँ, पर ऐसे चोरी छुपके नहीं, टंके की चोट पर बदलाव लाना चाहती हूँ मैं, और अपनी जिद से ना बाबू साहब, पूरे मंत्रिमंडल पूरी प्रजा की आपसी सहमति से। पानी का बदलाव लाया मैंने, पूरी प्रजा हमारे समर्थन में है, लोहा गर्म है बाबू साहब, बस हथौड़ा मार के आज ही इस बाल विवाह की कुप्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अवश्य, हम तुम्हारे साथ हैं। आपसे यही उम्मीद थी, आपका धन्यवाद। खुश रहो। एक माँ ने अपने पुत्र से वादा किया है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं। बिजली को अब हर हाल में प्रताप बड़ा का होना होगा। अब पता है बाबू शांती ना हमारे साथ है, 90% काम तो हमारा हो गया डॉली, हो गया ये। अब पता है क्या 10% काम बचा है, और वो भी मुझे पता है कि हमारी पेपर में जाएगा, है ना? तो उसके बाद बाल विवाह कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व, बाल विवाह का इश्यू भी सॉल्व। अब बस अपने घर जाने पर फोकस कर सकते हैं ना, अपनी वाली सदी 21st century में। पहली बार इतना लंबा दूर रही हूँ, घर से परिवार से माँ की याद आ रही है, और उससे भी ज्यादा माँ के हाथ की बनी पाव भाजी, चटपटी भिंडी और गर्मा गर्म पराठों की। मैं और तारा तुम्हारे साथ भिंडी खाने चलेंगे, तो और उसके बाद में मैं ना आंटी को बोलूंगा कि आंटी अपना राजमा भी बना दो। हाँ हाँ आंटी, आंटी सब बना देगी, बट प्लीज मेरी हेल्प करो, इस लाइब्रेरी में देवगढ़ का मैप भी जरूर होगा, जिसमें समय सदी की गुफा के बारे में जरूर लिखा होगा। तो डॉली अब हम अपना कार्य शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ। हाँ तुम इधर जाओ, मैं इधर। ये देखो ध्रुव, बेटा जी ये देखो 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 21st century के ये हिस्ट्री और इवेंट्स के बारे में लिखा, पढ़ो। तो तुम ये बुक को 21st century से अपने साथ लाए? अरे नहीं मैं, हाँ जब तारा खो गई थी ना 17वीं सदी में, तो मैं उसे वापस ढूंढने आया था, तब ये बुक लाया था मैं। खो गई थी मतलब तारा भी किसी सदी से है? OMG!
अरे पछुआओगी तुम। अरे डॉली तारा यहाँ की है और मैं यहाँ का नहीं। वो 21st century आई थी और उसके बाद वो मुझे करके यहाँ पे लिए और नहीं उसके बाद मेरे सर दर्द हो रहा है। उससे ज्यादा मत पूछना, बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है? 21st century पहुंचने के बाद, पर अभी के लिए तुमने चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत बोलो, सीक्रेट। एक मिनट यार, फुल कंफ्यूजन है। क्या हो गया? तो वो खड़ूस अकड़ू वो सड़ू सूर्य प्रताप वो कैसे टपक पड़ा? वो तो उसका पति है ना। डॉली देखो, वो जो सूर्य प्रताप सिंह है ना, वो ही देवगढ़ का ही है। तारा और मैं इस सदी में, तो तुम देखो ज्यादा मत सोचो, बस तुम ना याद रखो कि ये हम दोनों का सीक्रेट है, ठीक है? किसी को मत बताना, ओके? हाँ हुकुम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बाल विवाह बर्बादी है। कविता का पाठ पढ़ के आप सबको उत्तेजित करने का प्रयास कर रही है रानी हुकुम सा। अब ये देखिए हमारे हाथ में का ये है राज की ये पुस्तक, इसमें स्त्री आचरण के बारे में सब कुछ लिखा है, जो सदियों से चढ़ दिया रही है, जो हमें सही दिशा दिखा रही है। इसमें शुद्ध हिंदी में लिखा है, हम सुनाते हैं। जा का काम जा को साजे और करे तो डंडा बाजे, नारी जो पड़ेगी गाज गिरेगी, परिवार का सत्यानाश करेगी। आप भी पढ़ लीजिए, पता पढ़ा। कोई तो कारण होगा जो इसमें लिखा है, स्त्री ने जो की कमाई समाज के लिए होगा दुखदायी। स्त्री को अपने वश में रखना आवश्यक है, पहले पिता की इच्छा के अनुसार, फिर पति और पुत्र के अनुकूल खुद को चलाना होता है। स्त्री की शोभा मान सम्मान मर्यादा चूल्हा चौका संभालने में है। यदि स्त्री भी काम काज करने लगी, शस्त्र उठा के मैदान में उतरने लगी, तो घर कौन संभालेगा रानी हुकुम? बच्चे भूखे मर जाएंगे, परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा, यही चाहती हैं आप? बहुत निराशाजनक बात है रानी हुकुम। 5 दिन के लिए आपको जो राजपाट मिला है, इसका दुरुपयोग करके आप बस अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहती हैं। इतिहास के पन्ने आपको याद रखे बिना ये सोचे कि आने वाले भविष्य में वही स्वर्ण अक्षर कालिख बन जाएंगे, और हम ऐसा होने देंगे नहीं। अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, आप सब भी अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कीजिए और सोचिए, लड़कियों को सही उम्र में उनका विवाह करके उनके पति के घर अर्थात उनके ससुराल भेजने में समाज का हित है, या बाल विवाह को अवैध घोषित करके उन्हें पढ़ने लिखने कार्य करने की आजादी देना? नहीं हुकुम, बाल विवाह रीत है प्रथा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। हम बाल विवाह को अवैध घोषित करने के पक्ष में नहीं। बाल विवाह नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, बाल विवाह प्रथा नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। रानी हुकुम हाय हाय, रानी हुकुम हाय हाय, रानी हुकुम हाय हाय, रानी हुकुम हाय हाय, रानी हुकुम हाय हाय। कहाँ थे तुम दोनों? तारा वो छोड़ो, ये पता है वो तुम मिली ना, वो बहुत स्पेशल है। इसमें ना इस सदी में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब लिखा है इसमें। और वो जो कल होगा ना, कल वो भी इसमें लिखा है, वो भी 100% होगा। ऐसी क्या गहन गंभीर बात कर रहे हैं ये लोग आपस में? कोई नई योजना तो नहीं पनप रही इनके बीच? धन्यवाद ध्रुव, ढोटी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, पर किस लिए? क्या बताओ, गुरु रिया हो गए थे ढोले मेरे, मारे को कुछ सूझ ही ना रहा था, ये दुष्ट स्वरूप था कैसे तंगड़ी दू, ऐसे ये मुंह के बल गिरे और मुंह सदा गोबर में जाए।
पर अब आई समझ। रानी हुकुम हाय हाय, 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 रानी हुकुम हाय हाय। एक अच्छा शासक वही होता है जो गलती करने पर सबके सामने अपनी गलती मानने से शर्माए ना। हो गई मारे से गलती। बाल विवाह की इतनी पुरानी प्रथा को षड्यंत्र कर मैंने बंद करने का प्रयास किया, जिसके लिए हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। और इस बात की शर्मिंदगी है मारे को, और इसे साबित करने के लिए मैं ये घोषणा करना चाहती हूँ कि कल हमारी ओर से सामूहिक बाल विवाह होगा, और उसी सामूहिक विवाह में ध्रुव और ढोली का भी विवाह होगा। आप सब लोगों से विनती है, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के साथ कुलदेवी मंदिर प्रांगण में पहुंच जाइएगा। आरती के ठीक बाद राज्य के खर्चे पर सामूहिक बाल विवाह का आयोजन होगा। कल ऐसा धूम धड़ाका बवाल बवंडर मचेगा, आने वाली सदियां याद रखेंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.